वो इसलिए क्योंकि इस दुनिया में मैंने सिर्फ वही चीज को लिया जो लेना चाहिए दुनिया जो दे रही है मेरे को बोला कैमरा है इसमें कैमरा लो मैं बोला क्या करने बोलता है ले, लेते रहने का फोटो फिर क्या करें फिर डिलीट करें मतलब फिर कहे को लेने का तो मैंने लाइफ में कभी मोबाइल में एक पिक्चर नहीं लिया मेरे को नहीं चाहिए लेकिन मेरे को नहीं चाहिए ये बोलना इसमें कॉन्फिडेंस लगता है क्योंकि दुनिया बोलती है तो चाहिए मैंने बोला मेरे को ईमेल नहीं चाहिए मेरा ईमेल मेरी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट चेक करेगी और सिर्फ दिन में एक ईमेल या दो जहां पर मेरी इंटेलिजेंस की जरूरत है जिसमें मेरी इंटेलिजेंस की जरूरत हो वो मेल मेरे तक आएगा बाकी कोई मेल मेरे तक कभी नहीं पहुंचेगा मैंने आने ही नहीं दिया मेरे को नहीं चाहिए लेकिन ये नहीं चाहिए बोलने के लिए क्या लगेगा मिनिमम कॉन्फिडेंस लगेगा कि मैं इस दुनिया में क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा किस चीज के साथ काम करूंगा और किस चीज के साथ काम नहीं करूंगा और मैं अपने घर में क्या करूंगा और घर में क्या नहीं करूंगा मोबाइल में कितने बजे बंद करूंगा और कितने बजे बंद नहीं करूंगा ये मेरे ऊपर है ये टेक्नोलॉजी जो है ये है हमारे को इसका बेस्ट चीज को वापरने का इसका गुलाम बनने का जरूरत नहीं है तो अगर आपने टेक्नोलॉजी को करीब से देखा तो इसके पीछे कुछ यू you नो know, अगर डायरेक्टली देखेंगे तो अंधे हो जाएंगे तो क्या करने का इसका बॉर्डर में इसका बॉर्डर में देखते हैं इसके आजू बाजू में क्या हुआ है डायरेक्टली टेक्नोलॉजी को नहीं देख सकते एंड अगर ये एक चांद ये अगर सन है ये सन के माफ दिखता नहीं है फिर भी अपने मान के चलते हैं कि ये टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी जो है ये रेगुलरली बदल रही है। ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से सबसे पहला जो हुआ है साइंटिफिक चेंजेस हुए पहला जो साइंटिस्ट लोग है ना 20 साल में 30 साल में एक इन्वेंशन करते थे अभी 20 दिन में 30 दिन में 40 दिन में एक महीने में इन्वेंशन कर रहा और दुनिया का हर इन्वेंटर कोई भी जगह पे बैठ के किसी से भी बात करके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करके जल्दी जल्दी इन्वेंशन कर रहा है तो व्हाट यूज टू हैपन फॉर 20 इयर्स 20 30 इयर्स में एक इन्वेंशन होता था वो आजकल 20 मंथ्स में 15 मंथ्स में 15 डेज में एक महीने में इन्वेंशन हो रहा है इन्वेंशन होने की वजह से क्या हो रहा है डियर फ्रेंड्स बेसिस, नया सर्विस नई नई चीजें लगातार इन्वेंट हो रहा है तो कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहता है और ह्यूमन बीइंग का नेचर कैसा है कुछ तो चला थोड़ा टाइम तक परमानेंट रेवे तो नया नया मैंने उसके पहले उसका नहीं है कोई चीज में मेरे कोई भी चीज परमानेंटली लंबा टाइम तक नहीं चल रहा है तो देरी फॉर नथिंग इज परमानेंट नथिंग इज परमानेंट बिकॉज ऑफ दिसंटिफिक चेंजेसिंग You know, उसके बाद क्या हो रहा है साइंटिफिक चेंजेस के वजह से ये साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के वजह से पहले एक इन्वेंशन होता था फिर इकोनॉमिक चेंजेस होता था माल बनता था अभी माल बनने का जो कार्यक्रम है इकोनॉमिक चेंजेस वो भी फटाफट हो रहा है मतलब साइंटिफिक इन्वेंशन यहां हो रहा है माल साइमल्टेनियसली बन रहा है

प्रोडक्ट 25 दिन में बाहर आ रहा है तो 45 दिन में नया माल बाहर आ रहा है नोकिया का नया माल आ रहा है ब्लैकबेरी का नया माल बाहर आ रहा है यू नो सर टीवी का नया नया चैनल खुल रहा है हर चीज में कार नया नया आ रहा है बाइक नया नया आ रहा है हर चीज नया नया फटाफट फटाफट एजुकेशन नया 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 स्कूल बन रहा है अलग अलग टाइप के स्कूल बन रहे हैं कौन सा स्कूल में मैं मेरा बच्चे को डालू एक महीना इधर डालू एक महीना उधर डालू एक महीना इधर डालू एक आर्य विद्या मंदिर में डालू फिर विद्या आर्य में डालू फिर आर्य की माँ में डालू किधर डालो किधर भयंकर कंफ्यूजन चालू है बाबा लेकिन मेरे को ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं था मेरी मां ने बोला था बच्चे लोग का स्कूल घर से दिखना चाहिए तो मेरे घर के बाजू में मैंने ऐसा मुंडी घुमा के देखा तो वाड़िया स्कूल मतलब उधर डालो सीबीएसई भी नहीं है कुछ नहीं हो लेकिन मेरे को डर नहीं है क्योंकि मैं कॉम्पिटिशन में हुई नहीं

देफोर बिलाबॉंग में प्रॉब्लम हो गया तो वहां से उठा के उसको यू नो मानिक जी कुपर ने मानिक जी उसको भी समझ में नहीं आ रहा ये मां-बाप लोग कर क्या रहे मेरे साथ रोज ही घुमाते रहते साले लोग फिर उसको ट्यूशन क्लास में भेज रहे हैं इसमें भेज रहे हैं म्यूजिक क्लास में भेज रहे हैं डांस क्लास में भेज तू सालसा सीख ये सीख वो सीख उसका जूस और वारंटी जवानी तक तो मेरे को लगता पहुंचेगा ही नहीं सो so, ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से साइंटिफिक चेंजेस हुए हैं और उसकी वजह से इकोनॉमिक चेंजेस जो हुए हैं उसमें क्या हो गया हर आदमी का लाइवलीहुड को चैलेंज किया गया इंश्योरेंस एडवाइजर का लाइफ को चैलेंज किया गया है डेवलपमेंट ऑफिसर का लाइफ को चैलेंज किया गया लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट को चैलेंज कर दिया गया है हर चीज बिजनेस को चैलेंज कर दिया गया प्रोडक्ट को चैलेंज कर दिया जाता तो व्हाट यू आर सीइंग माय डियर फ्रेंड्स लाइवलीहुड एम्प्लॉयमेंट बिजनेस इनकम इज बिइंग चैलेंज कंटिन्यूसली मेरा मार्केट मेरा रहेगा कि नहीं मेरे को पता ही नहीं चल रहा है. पहला तो खाली इधर इंडिया का बॉर्डर के अंदर से था अभी तो चाइना वाला कब आके जाएगा ताइवान वाला कब मार के जाएगा कोरिया वाला कब मार के जाएगा क्योंकि पहले तो ये लोग अंदर आ नहीं सकते थे अभी कोई भी किधर भी आके बेडरूम में आके कार्यक्रम करके जा सकता है इतना मतलब क्योंकि ईमेल और बाकी सब चीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बेडरूम के अंदर बाथरूम में भी कर सकता है मेरे एक दोस्त से अभी उसने बाथरूम बनाया विच इज बिगर देन द बेडरूम उधर ही पड़ा रहता है उधर ही स्क्रीन लगाया उधर ही मेल चेक करता तो अभी कार्यक्रम उसको उधर ही है सो एवरीथिंग इज एफी मरल दैट मीन्स एवरीथिंग इज नाउ फॉर द शॉर्ट टाइम एवरीथिंग इज फॉर द शॉर्ट टाइम हर चीज शॉर्ट टाइम के लिए और इसके वजह से लोगों का हर चीज के प्रति एक शॉर्ट शॉर्ट टाइम का कॉन्सेप्ट चालू हो गया नौकरी भी धंधा ये एक थोड़ा दिन ये करते हैं थोड़ा दिन फिर मल्टी लेवल फिर थोड़ा दिन ये फिर थोड़ा दिन इस तरह से भागते रहते हैं लोग इस उम्मीद में कि कुछ बड़ा अच्छा हो जाएगा कुछ बड़ा अच्छा हो जाएगा कुछ बड़ा अच्छा लेकिन ये खाली फालतू भागने से नहीं चलेगा इसके पीछे कोई प्लान रहना चाहिए कि मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूं और क्यों भाग रहा हूं इसका एक क्लैरिटी होना चाहिए यू नो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब लोग सोचते हैं ये सब मारा मारी के चक्कर में तो लोग सोचते कि चला गवर्नमेंट के पास चलो ब्यूरोक्रेट्स के पास चलो चीफ मिनिस्टर के पास चलो एमएलए के पास चलो एमपी के पास कि ये लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पॉलिटिशियन लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लेकिन जब जब कोई पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट ने प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश किया है प्रॉब्लम डबल हो गया बिकॉज वो लोग साधारण इंसान लोग पीपल एंड दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये दुनिया का चेंजेस जो हो रहा है इसके ऊपर उनका कोई ग्रिप नहीं है तो लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं जिसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होता है बट मेजरली दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन अ बिगर वे देर इनके ऊपर भी अपन डिपेंड नहीं कर सकते हैं तो अगर टेक्नोलॉजी मार रहा है इकोनॉमिक चेंजेस हो रहा है साइंटिफिक चेंजेस हो रहा है पॉलिटिकल चेंजेस हो रहा है पॉलिटिशियंस को अपन बोलते थे कि बॉर्डर बंद करो अभी वो लोग बोलते हैं बॉर्डर बंद नहीं कर सकते बिकॉज साइन हो गया ये साइन हो गया वो साइन हो गया एग्रीमेंट साइन हो गया अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते इन लोग ने हाथ उठा दिया तो लोग बोलते हैं आता का माजा कॉन्फिडेंस साठी यानी मेरा कॉन्फिडेंस को बचा के रखने के लिए मुझे कौन बचाएगा चलो फैमिली के पास जाते हैं चलो जॉइंट फैमिली चलो वो कम्युनिटी के पास जाते हैं तो पहला कैसा कम्युनिटी साथ में रहता था फैमिली साथ में रहता था रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में पादरी या ये लोग संभालते थे। इनके पास बहुत था डायरेक्शन देते थे अभी ये लोग भी कंफ्यूज है एंड देर फोर एक और चीज जो हो रहा है सोशल फैब्रिक इज गेटिंग इवापरेटेड एक टच एंड फील अभी है नहीं टच एंड फील सोशल फैब्रिक जो है वो टूटता जा रहा है पहला अगर भाई का नौकरी गया और छह भाई साथ में जॉइंट फैमिली में कांदीवली में रहते थे तो एक का नौकरी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं एक का हस्बैंड मर गया दूसरा भाई मर गया तो वो जो वो जो पूरा फैमिली में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता था क्योंकि बाकी छह भाई लोग ये उसकी बीवी को उसके बच्चे लोग को संभालते थे अभी लास्ट वीक में, में मेरा ब्रदर इन लॉ 52 टू ईयर ओल्ड वो हार्ट अटैक से मर गया न्यूक्लियर फैमिली में रहता है न्यूक्लियर फैमिली मेरी बहन अकेली उसका दो बेटी लोग एकदम सडनली अगर ये बड़ा फैमिली में रहते थे ये तो अलग है कि उसको मेरे जैसा भाई घूमता है तो कोई टेंशन है नहीं लेकिन अगर ये लोग अकेले पड़ जाते हैं आज के तारीख में अभी कल ही मेरे को न्यूज आया मनीष गुप्ता जो मेरा पूना में बिजनेस पार्टनर होता था उसका बड़ा भाई 42 इयर ईयर ओल्ड बड़ा भाई परसों के दिन नाइन्थ को नाइन्थ को मर गया ऑफ यू नो सडनली एकदम मर गया नाउ ही न्यूक्लियर फैमिली अकेला पड़ गया सोशल फैब्रिक है इज नो फीलिंग लाइक लव एफेक्शन एम्फी एनीमो सो so, बी के बीच में हस्बैंड वाइफ के बीच में एक लव एफेक्शन एम्पति फील ये कार्यक्रम बिल्कुल है नहीं कल मैं एक मराठी यू नो नाटक देख रहा था दीनानाथ मंगेशकर में दोपहर को साढ़े तीन बजे वहा गुरु बोल के देखना बहुत बढ़िया नाटक है दिलीप प्रभालकर का मराठी नाटक उसमें वो टच एंड फील का एक जो कॉन्सेप्ट है हाथ लगाना आजकल है ना लोग हाथ नहीं लगाते हैं देर इज नो बच्चे को गले नहीं मिल रहे हैं हैप्पी दिवाली नहीं कुछ नहीं टच एंड फील पूरा चला गया और क्या हो रहा है इमोशंस आर ऑल गेटिंग ड्राइड आर ऑल गेटिंग ड्राइड भावनाओं का मौत होता जा रहा है नो टच एंड फील

कोई टच एंड फील नहीं है कई भावनाएं नहीं है खाली आदमी को सुबह बुलाया बोला चलो घर जाओ अभी हम लोग ये डिविजन बंद कर रहे हैं ये टच एंड फील नहीं है तो लोग है ना बहुत गुस्से में आ गए हैं एंड अल्टीमेटली uh, लोग सोचते हैं कि चलो अपना इंडियन कल्चर तो है तो कल्चर के यू नो सोशल फैब्रिक तो अपने को मदद नहीं कर रहा है यानी यूनियन पहला मदद करता था या फिर यू नो जॉइंट फैमिली मदद करता था रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस मदद करते थे तो जो झटके आते थे जो चेंजेस होते थे दुनिया में ये सब लोग मिडिल मैन के माफत जो झटके और चेंजेस आते थे ये सब लोग मिडिल मैन के माफत वो झटके को कम करते थे एज शॉक ऑब्जर्वर लेकिन अभी जो झटका है डायरेक्ट लग रहा है बीच में कोई है ही नहीं एवरी डे लग रहा है एवरी घंटा लग रहा है And therefore, there is cultural disintegration that is happening. तो अभी क्या हो गया मेड्रास से आया हुआ एक तमिल लड़का तमिल लड़का जो तमिलनाडु से आया है वो बंबई में आता है तीन साल रहता है बंबई से यहां से दुबई जाता है वहां से दो साल के बाद वो अमेरिका जाता है चाइनीज मुस्लिम से शादी करके सेटल हो जाता है कौन सा कल्चर यूज करने का तमिल कल्चर इंडियन कल्चर बॉम्बे का कल्चर दुबई का कल्चर अमेरिका का कल्चर चाइना का कल्चर मुस्लिम कल्चर कौन सा सला कल्चरल कंफ्यूजन मालूम नहीं पड़ रहा है। क्या हूं मैं क्या हूं मैं क्या कर रहा हूं मैं एक भयंकर दुविधा में लोग चल रहे हैं यू नो एंड शुड आई बिलीव करूं मैं इंडियन में बिलीव करूं मैं अमेरिकन कल्चर में बिलीव करू मैं चाइनीज कल्चर में बिलीव करूं मैं ट्रेडिशनल गुजराती कल्चर में बिलीव में तो उधर से बोलता है खाकरा छोड़ जो कुछ खा तो मैं खाकरा में बिलीव करू और पंजाब में उसको बोल दिया कि पराठा मत खा कि सुबह सुबह तू ये खा इडली मत खा तो मैं क्या बिलीव करूं बाबा मैं खाऊं कि नहीं इडली मैं कॉन्फ्लेक्ट खाऊं तो क्यों खा मेरे को समझ में नहीं आ रहा सो so, you know, इस तरह का एक मारा मारी, सा चालू है। और इस मारा मारी के अंदर एस एम एस ई मेल ई मेल ये वो सब मिलके एक भयंकर कंफ्यूजन चालू है पहला अगर ये है ना अगर ये हमारी जिंदगी है अगर समझो ये शांत एक एक लेख एक शांत अभी इसमें तो पत्थर लेकिन पहला जिंदगी था, होता था। डाला तो बहुत कम लाइफ में हलचल नहीं मचती थी थोड़ा सा बीच में जिधर वो पत्थर गिरा छोटा सा पत्थर गिरा कॉइन गिरा समझो तो थोड़ा सा चेंज होता उधर हल्का सा पानी में ही होता लेकिन पूरा इसमें ये नहीं होता फिर हर साल ये जो फर है विच इज बट टेक्नोलॉजी का स्पीड और साइज बढ़ गया फत्तर बढ़ता गया बड़ा 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 होता 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 गया, गया, गया। अभी जो पत्थर अपना जो लाइफ में नहीं लो बड़ा बड़ा डाल रहे अभी एकदम भयंकर चालू है यू you नो know, मैं ये देख रहा हूं बंबई में वर्ल्ड में अमेरिका में द इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ

किस प्रोडक्ट पे भरोसा करूं किस इंस्टीट्यूशन पे भरोसा करूं सो इन वर्ल्ड ऑफ डिसन आई हैव रियलाइज दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर कॉन्फिडेंस एंड मल्टीप्लाइड कि अपने को एक ही चीज है अपना कॉन्फिडेंस क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी और मेरे बीच में कोई नहीं है पहला मेरा जॉइंट फैमिली था पहला मेरा सोशल फैब्रिक था पहला इंडियन कल्चर था अभी टेक्नोलॉजी और मेरे बीच में कोई नहीं है डायरेक्ट जो मीडिएटर लोग हैं जो मिडिल मैन है वो सब मिडिल मैन जा रहे हैं सब मिडिल मैन जा रहे हैं और डायरेक्ट मारा मारी अब मेरे साथ हो रहा है ऐसे में मेरे पास एक ही चारा है एंड दैट इज टू प्रोटेक्ट माई कॉन्फिडेंस एंड यू नो स्कूल देता था टीचर देता था दुनिया दे, मतलब पोलिटिशियंस देते थे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन देता था स्लोली स्लोली चेंजेस होते तो अपना विश्वास बना रहता था तो अपने को सब जगह से एक डायरेक्शन मिलता था अपना कॉन्फिडेंस पहला भार से आता था अब ये भार वाले जितने थे मिडिल वाले सब गए अपने लाइफ का शॉक ऑब्जर्वर निकल गया है अभी और ये सच्चाई है देर फोर अभी एक ही इंसान है जो तुम्हें बचा सकता है और वो है तुम खुद लेकिन मेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि दुनिया जो बोल रही है जो ऐसे में आ रहा है वही सब सही है मेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है मैं खुद होके कुछ कर नहीं सकता हूं ऐसा मेरा सोच है माई डियर फ्रेंड्स द सोल्यूशन नाउ फॉर ऑल ऑफ आस इज इंटरनली जनरेटेड कॉन्फिडेंस हम सब के लिए अभी एक ही सोल्यूशन है एंड दैट इज कैन वी जनरेट कॉन्फिडेंस फ्रॉम विद इन क्या मैं अंदर से कॉन्फिडेंस खुद का पैदा कर सकता हूं दैट इज द क्वेश्चन एंड द आंसर इज यस यू कैन स्कूलों में पहला कॉन्फिडेंस कैसा था तू मिनिमम बीकॉम कर ले बीए कर ले या बीएससी कर ले इंजीनियरिंग कर ले या फिर कोई कोर्स कर ले उसके बाद आ, मार्केट में थोड़ा घूमने का तो तेरा कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा लेकिन अच्छा ख्याल था वो क्योंकि जब मैं बीकॉम करके बाहर निकला तब तो दुनिया वैसे के वैसी थी जब मैं बीकॉम कर रहा था जब मैं स्कूल पढ़ के बाहर निकला तो स्कूल से जब मैं बाहर निकला जैन साहब स्कूल वैसी थी और दुनिया बाहर वैसी थी क्योंकि मैं जब स्कूल के अंदर गया तभी चेतक गाड़ी बिकता था स्कूल से बाहर आया तो चेतक बाहर खड़ी थी स्कूल के अंदर गया तो दूरदर्शन बाहर खड़ी थी स्कूल से बाहर निकला दस साल के बाद तो दूरदर्शन तबस्म तभी भी थी <न्तितिति> फूल खिले गुलशन गुलशन पंद्रह साल पहले मैंने देखा था साल गुलशन गुलशन और वो वैसी की वैसी बैठी है प्रतिभा प्रतिभा सब कुछ मैं जब आठवीं में था और जब मैं बारहवीं में था जब मैं बाहर आया तो माला कॉन्फिडेंस होता कि जो मैंने पढ़ाई बिढ़ाई किया तो थोड़ा मार्केट में वापर लूं लेकिन आजकल जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं और जैसी मैं बाहर आया बारहवीं से या इंजीनियरिंग वो दुनिया ही नहीं है जिस दुनिया में मैं अंदर गया था एंडेरफोर स्कूलों में जो पढ़ाया जा रहा है वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने का चक्कर नहीं है वो एजुकेशन में खाली मार्क लाने का चक्कर में है लेकिन आदमी जब बाहर आता है तो वो वो दुनिया नहीं है जिस आदमी के इनो जो अंदर गया था पढ़ने के लिए एंड देर फोर एक ऐसा भयंकर पीरियड में आप लोग खेल रहे हैं इसको कौन सा पीरियड बोलते हैं ट्रिगर पीरियड ये पीरियड में पैदा नहीं होना चाहिए था लेकिन अभी क्या करेगा तुम लोग भी आ गए इस दुनिया में अभी तुमको निभाना पड़ेगा इस पीरियड में द वे इन विच यू कम्युनिकेट विल चेंज द वे इन विच यू ट्रेड विल चेंज द वे इन विच यू वर्क विल चेंज द वे इन विच यू इंटर चेंज, एवरीथिंग बी क्वेस्टेंड शादी करना है कि नहीं पहला क्लियर था 21 बरस का लड़की है तो शादी करने का अभी नहीं है ऐसा बच्चा उसको 22 में लड़का लड़की होना ही है अभी ऐसा नहीं है सो आई हैव रियलाइज दैट दी थिंग दैट इज रिक्वायर्ड टूडे स्कूलों में सबसे पहला कॉन्फिडेंस को सिखाया जाना चाहिए कि कॉन्फिडेंट कैसा रह बदलते हुए दुनिया में अपने टर्म्स एंड कंडीशन में कैसा जीने का कैसा चैलेंजेस लेते रहने का यह पहला कॉन्फिडेंस सिखाया जाए और बाद में अगर तुमको चाहिए जोग्राफी हिस्ट्री वगैरह सीखा जा सकता है लेकिन वो बाय हार्ट करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि डब्ल्यू 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 गूगल डॉट कशासाठी साला बाय हट